दोस्तों अभी हम आ चुके दूसरा गार्डन घूमने के लिए। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया, जिसका नाम है लोधी गार्डन, जो कि जोश पार्क मतलब कि एक है। मैं डिस्क्रिप्शन में कैप्शन डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से आज हम लोकेशन डाल दूँ मैं यहाँ का डिस्क्रिप्शन में। तो अभी हम यहाँ आए घूमने के लिए, देखते हैं हम कैसा है। फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, पहली बार ही दो गार्डन घूमना है। एक वो वहाँ थे, ये देखने में आपको ये दिख नहीं रहा था, वो वाइट वाइट दिख रहा होगा। मैं डिस्क्रिप्शन करता हूँ, अब दिखेगा आपको। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। नहीं नहीं, अब अंदर जाके दिखाता हूँ आपको, बहुत बढ़िया है। यानी अंदर जाकर एक्सप्लोर करवाते हैं। यहाँ का मैप अगर आप भटकना चाहते हो तो यहाँ का फोटो ले सकते हो। यहाँ पर मैप जो आप अंदर बाहर सब कुछ कर सकते हो। तो देख रहा हूँ सामने कुछ दिख रहा होगा बढ़िया, ऐसा बड़ा सा पुराना ओल्डेस्ट। अब यहाँ जाएंगे, इसको देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। कैसा शेर देखो यहाँ पे, क्या मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? मतलब वहाँ रखा लोहे का जो चैन होती है ना बाइकों में, वहाँ उस चैन से बना रखा है इसको। अब थोड़े से देखते हैं, इधर झूले वूले हैं घूमने के, बढ़िया। देखो बालक सब जिम भी कर रहे हैं, जिम भी कर सकते हो आप यहाँ अगर नहीं करते तो। यहाँ थोड़ा जिम करके एक्सरसाइज कर सकते हो। जिम जाओ। अभी इसको गूगल पे सर्च करना, इसका डेट ऑफ बर्थ जो कि ये बना है 1494 में, इसका ना 1500 के बाद इसका नाम चेंज करके ना लोधी गार्डन रख दिया गया। पहले क्या नाम था तो पता नहीं, पर सर्च कर सकते हो आप इसके बारे में, नॉलेज पता कर सकते हो। बाकी देखते हैं, अभी देखने तो बढ़िया लग रहा है। अभी इसको और करीब जाते हैं, वहाँ से शूट करते हैं और आपको दिखाते भी हैं। वैसे दोस्तों यार सही बताते हैं, घूमने का बहुत ज़्यादा बढ़िया। तो एंट्री फ्री है, कोई पैसे नहीं देने पड़ते आपको। अपने दोस्त के साथ, फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, किसी के साथ भी आ सकते हो और मस्त इन्जॉय कर सकते हो। फिर यहाँ पेड़ देखो कितने ज़्यादा मस्त हरे भरे हैं। ऊपर से ये इसके पत्थरों देख लगता है बहुत पुराना है ये, बहुत ज़्यादा। वैसे तो मैंने बताया दिया 1494 में बना था, और देखो मस्त है बिल्कुल, जहाँ इससे पहले गए थे वैसा ही है उसका भी। अगर ये लग रहा है दो ब्लॉग बनेंगे तो इससे पहले वो ब्लॉग आएगा उससे पहले ही। तो अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा तो पहले जाकर वो ब्लॉग देख लेना, फिर ये ब्लॉग देखना। दोस्तों इसको सर्च करा था, मुझे पता चला इसका नाम 1494 लेडी विलिगेंट रखा गया था। इसको चेंज करके ना 1500 में लोधी गार्डन रख दिया गया था। यहाँ देखो वैसे पब्लिक तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो एंट्री फ्री है और से पब्लिक इतनी ज़्यादा है। दोस्तों अभी थोड़ा घूमे होते ना, थोड़ा आगे से एक्सप्लोर करते थे। यानी आगे तो कुछ नहीं है, ये पार्क है बस, इधर है एक ये है देखने के लिए, और एक वो साइड में दिखाता हूँ आपको, एक वो है। तो पहले इधर चलते इसको थोड़ा घूम के, फिर वहाँ चलेगा, फिर वो दिखा, पहले इसको एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, दोस्त से फ्रेश घूमे, कुछ दिखा देने। अभी वहाँ चलते हैं, वहाँ जाते कैसा है, क्योंकि यहाँ भी ऊपर चढ़ने कुछ दिखाते नहीं था आगे, पर वहाँ लोग सब फोटो खिंचवा रहे थे, उनको हटाना अच्छा नहीं लगा। मैं तो वहाँ देखो कितनी बड़ी सीढ़ी है, तो वहाँ ऊपर चलते हैं, उसको घूमते हैं पूरा हम। ठीक है, मस्त आ रहा है व्यू। अब ये देखो, वाह इतना बढ़िया आ रहा है ना, देख रहे हो एक नंबर ऊपर से ये। अब यहाँ थोड़े एक दो फोटोज क्लिक करते हैं ना, उस वक्त देखते हैं आगे। ठीक है, सुना एक गुफा वुफा टाइप भी है, नहीं बाहर देखो ऐसा है पर अंदर ना गुफा टाइप भी है। यहाँ मतलब बढ़िया लग रहा है घूमने के लिए, बहुत अच्छा, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत। एक तो एंट्री फ्री है इस जगह पर, एंट्री फ्री बहुत मुश्किल है, पर यहाँ पर एंट्री फ्री है, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। अब ये अंदर तो भी आपने देख लिया है, थोड़ा बाहर से भी इसको देख लो। ये होता है शायद जेल, पता नहीं क्या बना रखा है पता नहीं, लेकिन बाहर से तो बढ़िया लग रहा है एक नंबर। यहाँ है जो मतलब फ्री है ना कॉस्ट, आउट ऑफ फ्री कॉस्ट है सब कुछ बढ़िया। यहाँ देखो लोग पिकनिक करने, फिल्म बनाने और फैमिली के साथ, पार्टनर किसी के साथ भी आ सकते हो। कुछ लोग पिकनिक मनाने, वो सब अपना गेम खेल रहे हैं, मस्त गेम खेल रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं। यानी जो भी आए ना सब पूरा इन्जॉय कर रहे हैं, उनको बिल्कुल कोई दुख नहीं होता है। हाँ आए अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ सबको बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी यहाँ इससे पहले जो पार्क में गया था वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, बट यहाँ आगे ना बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को भी।
तो अब दोस्त तो इधर से घूम के वापस आ चुके हैं ऐसे पार्क में, आगे देखते कुछ और मिलता है कि नहीं। तो उधर देखो ऐसे योगा चल रहा है कितना बढ़िया, जो दिखाता हूँ ये पेड़ बीच में आगे से पीछे ना योगा कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ शायद, बहुत बढ़िया। आप सब भी करो योगा, अच्छा रहेगा सेहत के लिए। दोस्तों अभी आपको लग रहा होगा कि हम कहीं और आ गए, बट हम कहीं और नहीं, हम वहीं हैं। ये गार्डन इतना ज़्यादा बड़ा है कि आप घूम घूम थक जाओ पर ये गार्डन ख़त्म नहीं होगा। तो घूमने के लिए बहुत बढ़िया जगह है, एक नंबर जगह है। यहाँ भी देखो लोग सब डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कितने लोग सब मज़े कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पर पिकनिक मना रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, बहुत बढ़िया जगह। एक तो खुला खुला से देखो आगे भैया, यहाँ बंदे पूछते हैं आप सर्व करने के लिए, छाँचा देखो कितना बढ़िया। और फैमिली को लेकर आओ तो कितना बढ़िया लगेगा आपका, अब फैमिली भी खुश हो जाएगी। जिस दिन प्रोग्राम बनाओ अपने फैमिली को लेकर यहाँ पर आओ, बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरा इस गार्डन का बहुत सुंदर जगह, पानी मछलियाँ भी उधर भी है, पानी उधर बतख सब भी है, इधर मछली देखो कितना मस्त है। इधर वाटर नाव होती है जो उस पर पाँव चलाते हैं, वो वाली अगर नाव उस पर चलाएंगे ना बहुत मस्त लगेगा, बहुत मज़ा भी आएगा। बट यहाँ वो नहीं है, कोई नहीं आगे देखते हैं। तो घूमते घूमते यहाँ पर एक और गुम्बद, इसका नाम गुम्बद कहते हैं, एक जैसे मस्जिद है ठीक है, तो उसे गुम्बद कहते हैं। ये तो लाल के जैसे बड़ा है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ ये चौथा है जहाँ हम देख रहे हैं, तो इसको देखते हैं। पाँच जाने का प्रोग्राम बना तो जाएंगे उड़ा, नहीं तो अभी तो बाहर तरफ प्रोग्राम बना जाने का, तो देखते हैं क्या होता है। तो इस गुम्बद के साइड साइड देखो कितना मस्त बना रखा है, और ऊपर ये नीम का पेड़ वो कि बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ दिल्ली में कहूँ तो एक तो देखो वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है, पर इन्हीं पेड़ों से ना बचा हुआ भी लगता है, क्योंकि गार्डन में ज़्यादा पेड़ लगा रहे हो, जैसे नीम का पेड़ आपको पता ही ज़्यादा मतलब कि वो देता है जो भी सांस लेने की होती है हवा, वो बहुत ज़्यादा देता है इससे कि बचा हुआ है। ऊपर से भी दिखा रहा हूँ झील का मस्त रहा, पेड़ पौधे बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया। आप तो जरूर आवेदन कहूँगा, आप दोस्तों जरूर आ गए, हाँ पूरा एक्सप्लोर करके आ चुके हैं। ये वापस हम जहाँ स्टार्ट किया था ना वापस से वहीं आ चुके हैं। तो इस साथ करते हैं उस ब्लॉग को ख़त्म। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते रहे कैसे आपको और भी ब्लॉग्स। तो आज जन्मदिन था मेरा, जन्मदिन इतना अच्छा जाएगा मेरा, मैंने सोचा नहीं था। तो बहुत अच्छा जन्मदिन किया है मेरा, आज दिन गुजर से आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो इस साथ करते हैं उस ब्लॉग को ख़त्म। Bye-bye.